मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। जमीन की गर्दिश ना सही, ऑप्टिक्स के असूल तो बदले जा सकते हैं। मिस्र के जिन, मेरी मदद करो। मैं हजारों सदियों से तुम्हारी खिदमत पर मामूर हूँ। इस मुश्किल घड़ी में मेरे काम आओ, मेरी मदद करो। बताओ, क्यों बुलाया है मुझे और क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी मदद से मैं ऑप्टिक्स के असूलों को तब्दील कर दूंगा। यूं रोशनी चीजों से टकरा कर आंखों तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि आंखों से निकलकर चीजों को टकराएगी। जैसे ही ये असूल तब्दील होगा, पूरी दुनिया में लगे कैमरे अपना काम करना छोड़ देंगे। यूं प्लेटो यानी अफलातून की कही बात सच हो जाएगी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ एहरामे मिस्र के जिन, अगर सिर्फ इंसानों की बात होती तो मैं अकेला उन्हें हरा देता। लेकिन अब उनके पास ऐनक वाला जिन भी है जो उनकी मदद कर रहा है। ठीक है, मैं देख लूंगा उस ऐनक वाले जिन को, तुम बेफिक्र हो जाओ। ये घोड़ा कहाँ से ले आए हो ऐनक वाले जिन? ये अर्तुगरल का घोड़ा है। तुम करोगे इस पर सवारी? मैं अपने दोस्तों से मिलने पीटीवी के दफ्तर गया था, दोस्त तो कोई मिला नहीं। दफ्तर के बाहर ये घोड़ा खड़ा हुआ था, मैं इसे ही उठा लाया। जी ऐनक वाले जिन, मैं भी बैठूंगा इस पर। उस्मान उस्मान, मेरी बात सुनो। जी मेरे भाई, बताएं। टीवी पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा उस्मान। मैं जब अपने मोबाइल से अपनी सेल्फी लेने लगा तो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ। मैं समझा कि मेरा मोबाइल खराब है। फिर मैंने अम्मी अब्बू दादा सबका मोबाइल फोन चेक किया, किसी भी मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं हुआ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं भी अपना टीवी चेक करता हूँ। मुस्तफा टीवी चलाओ। अच्छा मुईद, ये टीवी पर कुछ आ क्यों नहीं रहा? देखा उस्मान, मैंने कहा था ना। माजरत, हम आप तक अपनी तस्वीर पहुंचाने में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। टीवी से बस आवाज आ रही है। आखिर ये फैसला किया गया है कि ऑडियो ट्रांसमिशन से ही कॉम को बाखबर रखा जाएगा। दुनिया भर के तमाम कैमरों ने अचानक काम करना छोड़ दिया है। जर्मनी के एक साइंसदान ने बताया है कि रोशनी ने अपना असूल अचानक तब्दील कर लिया है, जिसकी वजह से तमाम कैमरे बेकार हो गए हैं। इस तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया खौफ में मुबतला है। ये कैसे हो सकता है, हमें कुछ करना चाहिए। चले ऐनक वाले जिन के पास चलते हैं, वो जरूर कोई हल निकाल लेगा। मुझे तो ये उस बतली मूस के शागिर्द की शरारत लगती है। ऐनक वाले जिन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ फिर? ऐनक वाले जिन, दुनिया भर के तमाम कैमरों ने काम करना छोड़ दिया है। टीवी वाले बता रहे हैं के ऑप्टिक्स के असूल अचानक तब्दील हो गए हैं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि रोशनी चीजों से टकरा कर आंखों तक नहीं आ रही।
आंखों से निकलकर चीजों को टकरा रही है। हे, ये कैसे हो गया? ये तो वाकई आंखों से निकल रही है। भागो यहाँ से। मैं हूँ अहरामे मिस्र का जिन। अफलातून की कही बात गलत नहीं हो सकती है लत वाले जिन। इंसानों की मदद करना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, या फिर किसी बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दूंगा। बस करो अहरामे मिस्र के जिन, बतली मूस का शागिर्द तो कोई साइंसी मखलूक है जिस पर मेरा जादू नहीं चलता। तुम्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। आप तो वैसे भी शक्ल से जिन कम और कोरोना वायरस ज्यादा लगते हैं। भाई मुस्तफा भाई जल्दी आए। मुहित भाई, अहरामे मिस्र का जिन कह रहा था कि अफलातून की बात कभी गलत नहीं हो सकती। प्लेटो, अफलातून? ओहो, अब समझ आया मुझे। अफलातून एक यूनानी फलसफी था जिसने कहा था कि रोशनी आंखों से निकलकर चीजों को टकराती है, यूं हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। लगता है बतलीमूस के शागिर्द ने अपनी ताकत से उसकी बात सच कर दी है। लेकिन मुई, अफलातून के 1400 साल बाद एक मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। इब्नुल हैसम ने ये साबित किया था कि जब रोशनी चीजों से टकराकर आंखों तक पहुंचती है तो हमें दिखाई देता है। यूं उसने कैमरे का असूल दरियाफ्त किया। इब्नुल हैसम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहते हैं। यानी इब्नुल हैसम 1400 साल बाद अफलातून से जीत गया था। हमें इब्नुल हैसम से मदद लेनी चाहिए। ग्रेट आइडिया उस्मान, तुम ऐनक वाले जिन के साथ जाओ और इब्नुल हैसम को यहाँ ले आओ। मुझे तो इब्नुल हैसम से मिलने का बहुत शौक है, वो एक अजीम मुसलमान साइंसदान था। चलो उस्मान, इब्नुल हैसम को ढूंढने चलते हैं। उस्मान इब्नुल हैसम इराक के शहर बसरा में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने मिस्र में गुजारे थे। डरो नहीं इब्नुल हैसम, हम 21वीं सदी से आए हैं। जो ऑप्टिक्स के असूल आपने दरियाफ्त किए थे उन्हें बतलीमूस के शागिर्द ने बदल दिया है। हमारे सारे कैमरे खराब हो गए हैं। आपने पिनहोल कैमरा इजाद किया था ना? प्लीज हमारे साथ चलो। जी, मैंने ही पिनहोल कैमरा इजाद किया था बेटा। ऑप्टिक्स के असूल कोई तब्दील नहीं कर सकता। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ कि वहाँ क्या मसला है। भाई, हम इब्नुल हैसम को ले आए हैं। ये प्लीज, मुझे एक सेल्फी लेनी है आपके साथ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि कैमरे ऑन ही नहीं हो रहे। इब्नुल हैसम अंकल, रोशनी आंखों से निकलकर चीजों से टकरा रही है। बतलीमूस के शागिर्द ने ऑप्टिक्स के असूलों को अफलातून के मुताबिक बदल दिया है। कोई भी कैमरा नहीं चल रहा। बच्चों, अफलातून और बतलीमूस को तो मैं जानता हूँ, ये दोनों बहुत अजीम इंसान हैं। इनकी कही हुई बातों से ही हमें हकीकत की खोज करने में मदद मिली। मसला अंधी तकलीद करने वालों का है, बगैर सोचे समझे किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्टिक्स के असूल कोई तब्दील नहीं कर सकता। जी इब्नुल हैसम अंकल, हमें बतलीमूस के शागिर्द को ढूंढकर उसके जादू का तूर करना होगा। अहरामे मिस्र के जिन को जरूर मालूम होगा कि बतलीमूस का शागिर्द कहाँ है। चलो पहले उसे सबक सिखाते हैं। अहरामे मिस्र के जिन, बतलीमूस का शागिर्द कहाँ है, बताओ मुझे। हा 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 हा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे,
बतली मूस के शागिर्द मेरी मदद करो। मैं हूँ बतली मूस का शागिर्द, रहता हूँ सबके इर्द गिर्द। जहालत है मेरी पहचान, तारीकी में डूब जाएगा इंसान। ऐनक वाले जिन, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरी कोई पावर इस पर नहीं चल रही। इब्नुल हसन, तुमने अफलातून को 1400 साल बाद कैसे हराया था? मैंने एक कामयाब तजुर्बे से साबित किया था कि रोशनी चीजों से टकरा कर आंखों तक पहुंचती है। तो फिर करो ना इब्नुल हसन, इक्वेशन अटैक। नहीं नहीं, माफ कर दो। इक्वेशन अटैक। ऑप्टिक्स के असूल वही है जो तुमने दरियाफ्त किए थे। मैंने तो बस जादू किया था जो अब टूट चुका है। भाई, हमने हरा दिया है बतली मूस के शागिर्द को। ये यानी मैं अब इब्नुल हसन के साथ सेल्फी ले सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको टॉकटेल स्टूडियो की ये एपिसोड पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सेल्फी लेते वक्त इब्नुल हसन को कभी ना भूलें।